door in an airtight container only. मतलब इसे सिर्फ एयरटाइट कंटेनर में ही रखना। आपने भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी और उसे फॉलो भी करते होंगे ताकि खाने का सामान खराब ना हो। इसका मतलब स्टोरेज बहुत मायने रखता है। अब जरा सोचिए, अगर हम घर का अनाज रखने के लिए भी इतना ध्यान रखते हैं तो फिर पूरे देश भर में जो इतना सारा अनाज पैदा होता है उसे स्टोर करने के लिए कितना ध्यान रखते होंगे। हालांकि 2007 से पहले ऐसा नहीं था। अनाज को जूट बैग में भरकर गोदाम में सिर्फ टारपोलिन ढककर स्टोर किया जाता था, मतलब जूट बैग्स का एक्स्ट्रा खर्च। ऊपर से वहां चूहों और कीड़ों की वजह से अनाज बिगड़ने की संभावना भी रहती थी। इन सारी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सन 2000 में भारत सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अनाज के आधुनिक फैसिलिटी के लिए दुनिया भर से टेंडर्स मंगवाए। स्टील सैलो के इस कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन का टेंडर प्राप्त किया हमारे देश के अग्रणी अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप 1988 में शुरू हुई यह कंपनी रिसोर्सेस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सफलता से कार्यरत है। सन 2007 में देश के अलग अलग हिस्सों में 650 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के बेस और फील्ड डेपोस कार्यरत। बेस डेपो पंजाब के मोगा और हरियाणा के कैथल में शुरू किए गए और फील्ड डेपोस चेन्नई, कोयंबटूर, बेंगलुरु, नवी मुंबई और हुगली में शुरू हुए, जहां टेक्नोलॉजी और सिस्टम की सहायता से साइलोज में अनाज को स्टोर किया जाता है, जिसमें स्टोर किए हुए अनाज की फ्रेशनेस और क्वालिटी उसके ट्रांसपोर्टेशन तक वैसी ही रहती है। बेस डेपो मतलब कि जहां पर किसान अनाज को लेकर आते हैं, ये किसानों के खेतों से नजदीक होते हैं और यहीं पर प्रोक्योरमेंट होती है। बेस डेपोज को हर साल स्टेट मंडी बोर्ड द्वारा मंडी यार्ड घोषित किया जाता है ताकि किसान अपनी फसल यहां डिलीवर कर सके। किसान जब अपना अनाज लेकर यहां आता है तब उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए एंट्री करके एक टैग दिया जाता है जिसमें सारी जानकारी स्टोर हो जाती है। उसके बाद यहां पर अनाज से भरी ट्रॉली या ट्रक का वजन किया जाता है। तब तक ऑपरेटर के सिस्टम में टैग रीडर से ट्रांजैक्शन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है और ऑपरेटर को सिर्फ ट्रक का वजन उसमें सेव करना होता है। फिर आधुनिक टेक्नोलॉजी से बिना हाथ से स्पर्श किए अनाज की सैंपलिंग की जाती है और सरकार द्वारा दिए गए 8 मापदंडों के अनुसार उसको जांचा जाता है। ये सारी प्रक्रिया सिर्फ 10 से 12 मिनट में निपट जाती है और किसान के सामने होती है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। उसके बाद अनाज को डंपिंग स्टेशन पर अनलोड किया जाता है, जहां आधुनिक मशीनों से ट्रक को 40 डिग्री के एंगल तक ऊंचा करके सारे अनाज को प्लेटफॉर्म पर लेकर उसे कन्वेयर्स के जरिए प्री स्टोरेज बिन्स में भेजा जाता है। पहले अपना अनाज गोदामों तक पहुंचाने के लिए किसानों को 2 से 3 दिन लगते थे, लेकिन अब इस एफिशिएंट सिस्टम के कारण वही काम सिर्फ 1 घंटे में हो रहा है। जी हां, आइए जानते हैं अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स की वजह से उनके जीवन में और क्या क्या फर्क आया है। पहले हम गांव में मंडी में अपनी जेंट्स लेकर जाते थे तो वहां पर हमारी जेंट्स की बहुत वेस्टेज होती थी और टाइम 2 से 3 दिन लग जाते थे और वहाँ पर हमारा खर्चा बहुत आता था, जो उतराई छिनाई और वेस्टेज ज़्यादा होती थी। अब हम अदानी में लेकर आते हैं और 1-2 घंटे में हमारी ट्राली वेली हो जाती है और हमें उसका जो पूरा क्वांटिटी है और अमाउंट जितनी है वो सभी लेकर कर दे देते हैं और हम इससे बहुत खुश हैं। अब आइए जानते हैं स्टोरेज से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की प्रक्रिया। किसानों से अनाज लेने के बाद खाली ट्रक का वजन करके उसे रवाना किया जाता है और वहां अनाज प्री स्टोरेज बिन से 500 टन प्रति घंटे की रफ्तार से प्रोसेस टावर में पहुंचता है, जहां मशीन से उनकी सफाई और उसका वजन किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद
अनाज को स्टोरेज के लिए साइलोज में भेजा जाता है। हर एक साइलो 12,500 टन की कैपेसिटी रखता है, जिसमें टॉप कन्वेयर से अनाज अंदर डलता है और डिस्पैच के लिए बॉटम कन्वेयर्स की सुविधा होती है। इन सारे साइलोज को आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर पर मॉनिटर किया जा सकता है। अंदर का वातावरण, नमी, हवा और तापमान की जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार आती रहती है। जरूरत पड़ने पर एरेशन सिस्टम से साइलोज में हवा को सर्कुलेट भी किया जाता है। साथ ही अनाज की क्वालिटी ऑनलाइन अपडेट होती रहती है। उसके अंदर घुन या कीड़े ना हो उसके लिए फ्यूमिगेशन भी होता है, जिससे गेहूं अंदर सुरक्षित रहे। इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी से अनाज 4 साल तक सुरक्षित रहता है। 4 साल साइलोज में स्टोर किए गए गेहूं को FCI के ऑर्डर के मुताबिक आगे भेजा जाता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अदानी के खुद के खास डिजाइन किए गए वैगन हैं, जिसमें टॉप लोडिंग और बॉटम डिस्चार्ज की सुविधा है। ऐसे 50 वैगन की 7 रेक्स अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स के पास है। इन वैगन में ऊपर से अनाज को लोड किया जाता है। पहले अनाज को मालगाड़ी में भरने के लिए करीबन 12 घंटे लगते थे, अब लेटेस्ट मशीन से सिर्फ 4 घंटों में 3,000 टन अनाज इन वैगन्स में भर दिया जाता है। उसके बाद रेक को फील्ड डेपो के लिए रवाना किया जाता है। फील्ड डेपो पहुंचते ही वैगन्स की सील चेक की जाती है। फिर वैगन्स का बॉटम डिस्चार्ज गेट खुलता है और सिर्फ 4 घंटे में गेहूं अनलोड हो जाता है, वो भी बिना किसी लेबर के। इस अनाज को फिर से सारी फैसिलिटीज से सज साइलोज में ट्रांसफर किया जाता है। यहां भी बेस डेपो की तरह साइलोज की टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम और एरेशन सिस्टम की सुविधा है। यहां से FCI के निर्देश अनुसार ऑटोमेटिक बैगिंग और स्टिचिंग मशीन्स में अनाज पैक करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अथवा ओपन मार्केट FCI सेल के लिए भेजा जाता है। इस तरह से पंजाब और हरियाणा से बेहतरीन क्वालिटी के गेहूं देश भर के घरों में पहुंचते हैं। यही है सही मायने में फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स।